हेलो दोस्तों, मैं हूं सत्यम मौर्य और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल फिलोसफर में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक नए स्मार्टफोन की जो कि बिल्कुल हमारे बजट रेंज में होने वाला है। अगर बजट रेंज की फोन की हम बात करें तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है कि रेडमी का नाम, शाओमी कंपनी का नाम। यह इसलिए आता है कि शाओमी ने ऐसे ऐसे हमारे सामने फोन दिए रेडमी सीरीज के या नोट सीरीज के जो कि काफी बजट में भी थे। अगर बजट के ऊपर हम जाएं अच्छे रेंज में तो काफी अच्छे फोन भी थे, और बजट रेंज में अगर सबसे बढ़िया बात करें सबसे अच्छे फोन इसी कंपनी ने बजट रेंज में दिए। एक चाइनीज कंपनी है लेकिन अब ये इंडिया में इसकी प्रोडक्शन होने लगी है। अब जो भी असेंबल होके आता है फोन इंडिया में ही असेंबल होता है। पिछले लॉकडाउन के चलते फोन काफी महंगे होते जा रहे थे, दिन पर दिन जैसे इसके पार्ट्स काफी महंगे होते रहे, जिसके बाद असेंबल के थ्रू ये काफी महंगे होते जा रहे थे। काफी सारे इसमें टैक्स इंक्लूड हुए, जिसके बाद लोगों के बीच में मतलब ये समस्या आ गई कौन सा बजट फोन ले। बजट फोन जितने भी कंपनी के छोटे रेंज में थे वो सब हटाए, जो भी 6,000-7,000 के रेंज में फोन थे उन सबको कंपनी ने हटा दिया। उसके बाद जो भी अच्छे फोन थे इसके 7,500-8,000 से ऊपर के फोन थे, जिसके बाद हमारे पास समस्या आ जाती थी कि हमें यार 6,000-6,500-7,000 में कैसे कौन सा फोन ले, कैसे ले, समझ में नहीं आता था। तो दोस्तों, कल के दिन 2 सितंबर के दिन एक खुशखबरी आती है कि रेडमी 9A जो कि बजट फोन है इसको लॉन्च किया गया। इसकी लॉन्च होते ही कीमत बताई गई, 2 वेरियंट में आने वाला है, 2GB 32GB और 3GB 32GB के वेरिएंट में आने वाला है। अगर 2GB 32GB वेरिएंट की बात करें दोस्तों, इसकी कीमत 6,799 रुपये मीन्स 6,800 रुपये के आसपास की कीमत रहेगी। और दूसरे फोन की बात करें दोस्तों, 7,499 रुपये 7,499 रुपये मीन्स 7,500 इसकी कीमत होने वाली है। दोस्तों, दोनों फोन ही काफी अच्छे हैं, आपको 3 कलर में मिलने वाले हैं। अगर इसके कलर की बात करें तो नेचर्स ग्रीन कलर आपको मिलेगा, सी ब्लू कलर मिलेगा और मिडनाइट ब्लैक कलर मिलेगा। दोस्तों, अगर इसके डिस्प्ले की बात करें तो डिस्प्ले बहुत बड़ा होने वाला है, जैसे कि रेंज का बजट फोन है उसके बाद भी आपको डिस्प्ले और बैटरी दोनों ही बहुत अच्छे मिलती है, दोनों ही बहुत ही जरूरी होता है दोनों किसी भी फोन के लिए। तो इसका डिस्प्ले 6.53 इंचेस का होने वाला जो कि IPS टेक्नोलॉजी से लेस होगा। दोस्तों, अगर इसके वेट की बात करें तो 194 ग्राम का इसका वजन होने वाला है जो कि एक लाइट वेट के आसपास ही है। दोस्तों, अगर इसके कैमरे की हम बात करें तो इसका रियर कैमरा एक ही कैमरा होने वाला है और उसके साथ एक फ्लैश लाइट दी गई है। अगर इसका कैमरा देखा है तो 13 मेगापिक्सल का रियर कैमरा होगा और 5 मेगापिक्सल का AI सेल्फी कैमरा होगा, दोनों कैमरे AI कैमरे होंगे। और दोस्तों, इसके बाद बात आती है इसके प्रोसेसर की। दोस्तों, मीडियाटेक हेलियो G25 का ऑक्टोकोर प्रोसेसर को यूज किया गया है जो कि काफी अच्छा प्रोसेसर, इसकी परफॉर्मेंस भी काफी अच्छी होती है। और इसके बाद आते हैं इसके सिस्टम की बात है कि इसमें कौन सा सिस्टम यूज किया गया। दोस्तों, इसमें सिस्टम की बात करें MIUI 12 और एंड्रॉयड 10 का वर्जन को यूज किया गया इस फोन में। दोस्तों, फिर इसके बाद आती है बैटरी की। बैटरी की जैसे मैं आपको पहले ही बताया कि 5020mAh 5020mAh की बैटरी आपको होने वाली है जो कि काफी बड़ी बैटरी है। अगर एक बार चार्ज करें तो आराम से 24 घंटे तक अच्छे से आप चला सकते हैं, चाहे गेमिंग करें या वीडियो बनाएं, कोई भी काम आप कर सकते हैं। इसके साथ आपको सबसे बड़ी बात है कि चार्जर आपको मिलेगा और 10 वाट का चार्जर आपको साथ में दिया जाएगा जो कि बहुत अच्छी बात है। फिर इसके बाद दोस्तों आती है कि इसमें सिम कैसे लगेंगे और कौन सिम लगेंगे। दोस्तों, अगर सिम की बात करें तो इसमें 2 नैनो सिम लगेंगे और उसके बाद एक स्लॉट रहेगा जिसमें मेमोरी कार्ड आप लगा सकते हैं, वो भी 512GB तक लगा सकते हैं। इसमें 3 स्लॉट तीनों अलग अलग रहेंगे, एक नैनो का, दूसरा नैनो का और तीसरा मेमोरी स्लॉट। दोस्तों, बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो मोबाइल, किसी भी मोबाइल को आप लेने जाते हैं सबसे जरूरी होती है जानना। हम किसी भी कस्टमर शॉप पे जाते हैं तो काफी कंफ्यूज होते हैं, हमें कौन सा मोबाइल लेना चाहिए, उसके बारे में क्या डिटेल है, कौन सा क्या मिलने वाला है। अगर आपको बजट रेंज का 7,000 के अंदर आपको फोन चाहिए तो इस फोन को आप ऑर्डर कर सकते हैं, ऑनलाइन कहीं से भी ऑर्डर कर सकते हैं। और ये फोन जैसा, अगर आप फोन परचेज करते हैं तो अपना एक्सपीरियंस जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में शेयर करिएगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इस फोन को लेकर। इस फोन के सेल जो कल के दिन लगने वाली है, कल 4 सितंबर को 12 बजे दोपहर में इसकी सेल लगेगी। और ये कहीं से भी ऑनलाइन आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट से या किसी कॉमर्स वेबसाइट से आप इसे बुक कर सकते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट जरूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और साथ में बेल आइकन जरूर दबाइए जिससे कि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। हमारे इस YouTube चैनल पर हमेशा टेक्निकल वीडियो आपको मिलते रहते हैं। धन्यवाद दोस्तों।